हेलो एवरीवन वेलकम टू प्रेपाइस आप सभी का प्रेपाइएस पे स्वागत है दोस्तों आज का लेक्चर हमारे क्रेश कोर्स प्रोग्राम का थर्ड लेक्चर है पॉलिटी हम लोग लेके चल रहे हैं एंड आज के सेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉट इज कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी होती हैं देन वॉट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वॉट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी एंड वॉट इज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट फिल्म के परस्पेक्टिव से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये चैप्टर पूरी पॉलिटी में आपका एक बेस बना देगा ओके तो इस चैप्टर को इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाले हैं ओके तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की अब देखो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वॉट इज कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है अगर हम बात करें पॉलिटी की पॉलिटी देखो इन पॉलिटी वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ए कंट्री एंड अ पॉलिटिकल सिस्टम इज बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए इसीलिए पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन उसके डिफरेंट प्रोविजंस को समझना बहुत ज़रूरी है बट पॉलिटी में काफ़ी कुछ डायनामिक पार्ट भी हमें पढ़ना पड़ता है और इसलिए मोर देन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़नी पड़ेंगी और उसके लिए करंट अफेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ओके okay? तो ये हो गया कि पॉलिटी का स्कोप क्या रहेगा अब हम बात करते हैं कि वॉट इज कॉन्स्टिट्यूशन तो शुरुआत करते हैं फुटबॉल से आप सभी ने फुटबॉल के बारे में सुना होगा एंड इसमें प्लेयर्स अपने फीट्स का यूज करते हैं अपने फीट का यूज करते हैं अब देखो अगर एक गेम खेला जा रहा है फुटबॉल का जिसमें प्लेयर्स क्या कर रहे हैं अपने हैंड्स का यूज़ कर रहे हैं तो क्या आप उस गेम को फुटबॉल कहोगे बिकॉज़ फ़ुटबॉल में ये रूल होता है कि अगर कोई प्लेयर अपने हैंड्स का यूज़ कर रहा है बॉल को पास करने में एक्सेप्ट द गोलकीपर तो उसको फाउल माना जाएगा तो क्या आप इस गेम को फुटबॉल कहोगे बिल्कुल नहीं कहोगे सिमिलरली जो दूसरे गेम्स होते हैं लाइक like, क्रिकेट हो गया हॉकी uh, हो गया हर गेम के अपने कुछ रूल्स होते हैं और ये रूल्स डिफाइन करते हैं गेम को गेम को डिफाइन करते हैं तो इसीलिए हम कहते हैं कि दीज आर द फंडामेंटल रूल्स फंडा मेंटल रूल्स एंड विद द हेल्प ऑफ दीज रूल्स आप डिफरेंट गेम्स को डिफरेंशिएट भी कर सकते हो कि कौन सा गेम क्रिकेट है कौन सा गेम हॉकी है एंड कौन सा गेम फुटबॉल है तो वी कैन से कि दीज रूल्स आर ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स ओके सिमिलरली इन सोसाइटी वहां पे भी काफ़ी सारे बेसिक रूल्स होते हैं फंडामेंटल रूल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स होते हैं जो एक सोसाइटी को डिफाइन करते हैं और सोसाइटी को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद अदर सोसाइटी और यहीं से बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन की जो तो क्या है बेसिकली एक सेट ऑफ बेसिक रूल्स है देखिए इंडिया में वी हैव पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहां पे एग्जीक्यूटिव दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर जबकि इन यूएसए वी हैव प्रेसिडेंशियल सिस्टम जहां पे एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं तो ये क्या है ये बेसिकली फंडामेंटल रूल हैं इंडिया में एंड यूएसए में तो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स और ये रूल्स आपको कहां मिलेंगे इन द कॉन्स्टिट्यूशन तो जब हम बात करते हैं कि वॉट इज कॉन्स्टिट्यूशन तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है एक सेट ऑफ बेसिक रूल्स हैं जो डिफाइन करता है कि वॉट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम जो गवर्न करेगा वहां के लोगों को जैसे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम है या आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या होगा ये आपको कहाँ मिलेगा इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट ऑल्सो इस्टेब्लिशेज मेन ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट जैसे कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी भाई लॉ कौन बनाएगा लेजिस्लेचर उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा एग्जीक्यूटिव एंड अगर कोई डिस्प्यूट है उसको कौन रिजोल्व करेगा जुडिशरी तो ये जो थ्री ऑर्गन्स हैं इनको एस्टेब्लिश करता है कॉन्स्टिट्यूशन इनकी पावर्स क्या होंगी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी और आपस में इनका क्या रिलेशनशिप होगा जैसे कि जैसे कि इन इन यूएसए स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर दिखता है बिटवीन द थ्री ऑर्गन बट इनकेस ऑफ इंडिया हमारे यहां पर फ्यूजन ऑफ पावर देखने को मिलता है हमारे यहां एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है टू द लेजिस्लेचर तो इस तरह जो संबंध है आपके जो रिलेशनशिप है उसको रेगुलेट किया जाता है ओके सो दिस इज द डेफिनेशन दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड अब इसका मतलब क्या है सुप्रीम लॉ का मतलब क्या है इसका सिंपल सा मतलब यह है कि ऑल अदर लॉज इन ऑर्डर टू रिमेन वैलिड मस्ट कंफॉर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी लॉ के प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को वायलेट करते हैं देन वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा दिस इज द मीनिंग ऑफ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड एग्जाम्पल जैसे एनजेक था नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस इज वायलेटिव ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी तो भाई दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड ओके इसके अलावा देखिए कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड अ लिविंग डॉक्यूमेंट मतलब जिसमें लाइफ है इसको ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है मीन्स विद टाइम इसका इवोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा और ये इवोल्यूशन किस तरह से देखने को मिल रहा है थ्रू अमेंडमेंट तो विद टाइम सोसाइटी की जो नीड्स है वो चेंज होती रहती हैं और थ्रू अमेंडमेंट उन नीड्स को आप फुलफिल कर सकते हो थ्रू प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक लॉ या फिर लिविंग डॉक्यूमेंट इन सब पे क्वेश्चन बनते हैं इन पिलिम्स एग्जामिनेशन ओके ये चीज क्लियर है अब हम ये समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन क्या होते हैं एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट है ना इसपे क्वेश्चन आते हैं तो देखो सबसे पहला फंक्शन तो ये होता है टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग्स मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी देखिए इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और तरह तरह के ग्रुप्स आपको मिलेंगे इंडिया में ओके okay? बट उनके बीच में हारमोनी होनी चाहिए एक मिनिमम कोऑर्डिनेशन होना चाहिए तो इसके लिए कुछ रूल्स होने चाहिए जिसको सब लोग ओबे करें क्योंकि अगर लॉ नहीं होगा तो लिबर्टी आपको नहीं मिलेगी यह क्वेश्चन आया था इन फिलिम्स एग्जामिनेशन तो सपोज सोसाइटी है जिसमें कोई सेक्शन पुअर है या बैकवर्ड है तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए तो इसके लिए कुछ बेसिक रूल्स होने चाहिए जो कि सोसाइटी में एक मिनिमम कोऑर्डिनेशन को ला सके सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स अब सेकेंड फंक्शन होता है टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू टेक डिसीजन इन ए सोसाइटी एंड इट ऑल्सो डिसाइड हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड सोसाइटी में जितने भी ग्रुप्स होंगे सभी ये चाहेंगे कि रूल्स हम बनाएं क्योंकि सबको अपने इंटरेस्ट सर्व करने होते हैं तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं तो डिसीजन मेकिंग पावर लॉ मेकिंग पावर किसके पास होगी ये कौन डिसाइड करेगा ये डिसाइड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि इन इंडिया पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ बनाने की ओके okay, तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि कौन सा लॉ बनेगा ओके okay, तो ये सब कहां पे स्पेसिफाई किया गया है इन द कॉन्स्टिट्यूशन सिमिलरली गवर्नमेंट किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट होगी इलेक्शंस होंगे कि क्या होगा ये पूरा प्रोसेस आपको मिलेगा इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस इज द सेकेंड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नाउ द थर्ड फंक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन और इस पर काफी बार यूपीएससी ने क्वेश्चन रिपीट किया है इन प्रिलिम्स एग्जामिनेशन टू सेट सम लिमिट्स ऑन वॉट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन। देखिए गवर्नमेंट के पास पावर है डिसीजन लेने की लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यह पावर एबसल्यूट होगी ओके देर विल बी रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट क्योंकि अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है अगर गवर्नमेंट की पावर एब्सोल्यूट है तब तो क्या होगा पावर का मिस होगा सपोज आप कोई एक्स रिलीजन फॉलो करना चाहते हैं बट गवर्नमेंट आपको मना कर देगी कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो ये क्या है ये बेसिकली एब्सोल्यूट पावर हो गई तो देर मस्ट बी सम रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड दिस इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू लिमिट द पॉवर्स ऑफ द गवर्नमेंट ओके टू लिमिट द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट यह कॉन्सेप्ट इसके बाद अगला फंक्शन आता है टू इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एक्सपीरेशन ऑफ ए सोसाइटी एंड टू क्रिएट कंडीशन फॉर ए जस्ट सोसाइटी तो भाई सोसाइटी के एक्सपीरेशन क्या है उनके गोल्स क्या है इसको कौन पूरा करेगा इसको पूरा करेगा गवर्नमेंट देखिए ये जो फंक्शन था इसमें हम गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट कर रहे हैं बट इस फंक्शन में हम गवर्नमेंट को इम्पावर कर रहे हैं उसको इनेबल कर रहे हैं कि आप कुछ पॉजिटिव मेजर्स लीजिए सपोज हमारी सोसाइटी कास्ट सिस्टम बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना चाहती है तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को इम्पावर किया है ओके सो दिस इज द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अल्टीमेटली

देखिए ये एनसीआरटी में भी दिया हुआ है अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी की तो डेमोक्रेसी में क्या होता है गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय पीपल एंड फॉर द पीपल तो बेसिकली यहां पे गवर्नमेंट जो है वो एब्सोल्यूट पावरफुल नहीं होगी यहां पे गवर्नमेंट की पावर्स पे रेस्ट्रिक्शन होते हैं इन अ डेमोक्रेसी आप फंडामेंटल राइट्स को ले सकते हैं तो अगर क्वेश्चन ये पूछा गया पूछा जाए आपसे कि ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन क्या इसका मतलब यह है कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री होंगी दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन अगर किसी कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो क्या इसका मतलब यह है कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक होगी बिल्कुल नहीं ऐसा कोई असेंशियल नहीं है कि ऐसा हो गई बट इसका रिवर्स ट्रू है ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज कोई कंट्री अगर डेमोक्रेटिक है देन उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होगा ये लिख लीजिए आप ओके और इन पे बनते हैं क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वही है पावर को लिमिट करना ओके तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो बात अलग है ओके सो दिस इज द कॉन्सेप्ट आई होप दिस इज क्लियर अब हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पे देखिए वॉट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली असेंबली का सिंपल सा मतलब होता है ग्रुप और मीटिंग आप ग्रुप समझ लो एंड इस ग्रुप का ऑब्जेक्टिव क्या होगा टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ओके सो वॉट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बेसिकली टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बट देखो इसका इवोल्यूशन भी आपको पता होना चाहिए कि, कि किस तरह से डिमांड की गई और क्या डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स हुए हैं किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के सामने आया है अब देखिए ये जो चीजें होंगी ये काफी फैक्चुअल है तो ये आपको याद करनी पड़ेगी देर इज नो अदर अल्टरनेटिव ओके बट काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन फिलिम्स एग्जामिनेशन तो भाई देखो सबसे पहले सबसे पहले जो डिमांड किया गया था फॉर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इट वाज इन एंड एम एन रॉय ने सबसे पहले ये आइडिया पुट फॉरवर्ड किया था सबसे पहले 1934 में उसके बाद इन 1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड किया था कि एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बननी चाहिए जो कि बनाए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एंड फिर इस डिमांड को इस डिमांड को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट भी किया था इन द ऑगस्ट ऑफर ऑफ और इसमें गवर्नमेंट ने यह कहा कि आफ्टर द वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाएगी जिसमें मेनली इंडियंस विल बी देयर ओके एंड सेकेंड विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ माइनॉरिटीज नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन विल बी अडॉप्टेड तो ये दो कंडीशन थी कि असेंबली में मेनली इंडियंस होंगे एंड जो माइनॉरिटीज हैं उनके पास वीटो पावर हो गई तो भाई इंडियंस क्या चाह रहे थे कि सारे के सारे मेंबर्स इंडियन ही होने चाहिए नॉट मेनली बल्कि ओनली इंडियंस होना चाहिए तो भाई इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया गया यह आपने पढ़ा होगा स्पेक्ट्रम में मॉडर्न इंडिया में उसके बाद एफर्ट्स किए जाते हैं 1942 में क्रिप्स मिशन इसमें क्या कहा गया इसमें यह कहा गया कि ओनली इंडियंस विल बी देयर ओनली इंडियंस तो एक कदम आगे हम लोग बड़े हैं कि केवल इंडियंस होंगे बट इसमें यह भी था कि एनी प्रोविंस एनी प्रोविंस नॉट विलिंग टू ज्वाइन इंडिया वो अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है वो सेपरेट यूनियन बना सकती है तो भाई ये तो आप पार्टीशन की बात कर रहे हो तो इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया था ओके okay? एंड फिर फाइनली 1946 में आता है कैबिनेट मिशन और इसमें प्रॉपर स्कीम दी हुई थी कि क्या कंपोजिशन होगा कॉन्स्टिट्यूंट uh, असेंबली का किस तरह से वो वर्क करेगी और फिर इसको एक्सेप्ट किया गया और इसी के बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का एस्टेब्लिशमेंट होता है तो ये भी क्वेश्चन आता है इन फिल्म की बेसिस क्या था तो इट इज कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी अब अब हम आते हैं कि कंपोजिशन क्या था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का तो देखो इट वाज बेस्ड ऑन कैबिनेट मिशन प्रपोजल इसको डिटेल में आप पढ़िएगा मॉडर्न इंडिया में ओके okay? तो वे कंपोजिशन क्या था कंपोजिशन ये था कि टोटल जो मेंबरशिप होगी वो होगी 389 मेंबर्स तो 389 मेंबर्स होंगे इस असेंबली में जिसमें से 296 रिप्रेजेंट करेंगे ब्रिटिश इंडिया को एंड 93 मेंबर्स रिप्रेजेंट करेंगे प्रिंसली स्टेट्स को उस समय होते थे अब देखो ये जो 296 मेंबर है इसको भी फर्दर डिवाइड किया और 292 मेंबर्स प्लस फोर मेंबर्स उस समय फोर चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस थी तो हर प्रोविंस से एक बंदा आएगा असेंबली में ओके okay? इसके अलावा इलेवन गवर्नर प्रोविंसेस थी तो उनसे टू मेंबर्स टू हैं आएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आई होप इज क्लियर एंड नाइन्टी थ्री जो प्रिंसली स्टेट्स हैं जो 93 थ्री दी गई हैं प्रिंसली स्टेट्स को तो यहां पे क्या होगा यहाँ पे थ्रू नॉमिनेशन ओके तो प्रिंसली स्टेट्स के जो हेड होंगे वो नॉमिनेट करेंगे कि हमारी तरफ से ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि असेंबली में जाएंगे ओके okay? तो यह सिस्टम था प्रिंसली स्टेट्स का वहां पे नॉमिनेशन होने वाला था बट केस ऑफ प्रोविंसेस यहां पे हुए थे इलेक्शन ओके okay? तो उसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि किस तरह से यह 292 जो मेंबर्स हैं इनको चूज किया गया तो भाई देखो कॉन्सेप्ट यह था कॉन्सेप्ट यह था कि पॉपुलेशन के बेसिस पे आपको सीट्स मिलेगी तो फॉर वन मिलियन पॉपुलेशन एक सीट आपको मिलेगी तो जो प्रिंसली स्टेट्स हैं जो ब्रिटिश प्रोविंस था कि दस लाख लोगों के लिए एक सीट आपको मिलने वाली है पहला कॉन्सेप्ट तो तो कोई एक्स प्रोविंस है जहां की टोटल पॉपुलेशन है टेन मिलियन जस्ट मिनट इसका कलर चेंज करते हैं उसकी पॉपुलेशन है टेन मिलियन तो भाई एक मिलियन को आप एक सीट देने वाले हों तो टेन मिलियन को कितनी सीट्स मिल जाएंगी टोटल टेन सीट्स मिलेंगी जो एक्स प्रोविंस है उसको क्लियर है अब देखो क्या किया जाएगा वो जो प्रोविंस है वहां पे ये देखा जाएगा कि मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है सिख पॉपुलेशन कितनी है और वहाँ पे जनरल पॉपुलेशन कितनी है एंड ये जो पॉपुलेशन का प्रपोर्शन होगा इसी के हिसाब से सीट्स को डिवाइड किया जाएगा जैसे कि आउट ऑफ टेन मिलियन पॉपुलेशन मान लो मुस्लिम है दो मिलियन सिख है वन मिलियन एंड जनरल है सेवन मिलियन तो रेशो क्या हो गया टू इस टू वन इस टू सेवन तो अब इस रेशो में सीट्स को डिवाइड किया जाएगा मीन्स उस प्रोविंस में दो सीट मिलेंगी मुस्लिम को एक सीट मिलेगी सिख को एंड सेवन सीट्स मिलने वाली हैं जनरल पॉपुलेशन को ओके okay? अब ये तो डिसाइड हो गया कि मुस्लिम कम्युनिटी से दो मेंबर आएंगे सिख से एक आएंगे एंड जनरल से सेवन आने वाले हैं ओके okay? अब ये कैसे डिसाइड होगा कि ये दो लोग कौन होंगे ये एक सिख कौन होगा सेवन जनरल लोग कौन होंगे तो इसके लिए उस प्रोविंस की जो प्रोविंशियल असेंबली है अब वो डिसाइड करेगी तो ये जो दो मुस्लिम मेंबर्स हैं इनको कौन इलेक्ट करेगा इस प्रोविंस की प्रोविंशियल असेंबली में जो मुस्लिम मेंबर्स हैं वो इलेक्ट करेंगे जो ये एक सिख मेंबर है इसको कौन इलेक्ट करेगा उस प्रोविंस की जो असेंबली है उसमें जो सिख मेंबर्स हैं वो इनको इलेक्ट करेंगे एंड सिमिलरली जनरल के लिए होगा ओके? Okay? तो हम कह सकते हैं कि इट वॉज इन डायरेक्ट इलेक्शन क्योंकि जो डायरेक्टली जो भारत के लोग हैं जो पीपल ऑफ इंडिया है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे ठीक है ठीके? जो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स हैं वो इलेक्ट कर रहे हैं एंड जो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन किसने किया है जो भारत के लोग थे पीपल ऑफ इंडिया बट उस समय काफी लिमिटेड फ्रेंचाइज हुआ करती थी तो हम कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एक पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी और दोस्तों ये जो इलेक्शन हुआ था ना इट वाज बेस्ड ऑन प्रपोशनल बाय बायस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इस पर भी क्वेश्चन आते हैं एंड ये वही सिस्टम है जो हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यूज होता है तो आई होप ये जो असेंबली इसका कंपोजिशन किस तरह से मेंबर्स का इलेक्शन हुआ ये चीजें क्लियर हो गई होंगी ओके okay? क्योंकि काफी डिटेल में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है एंड आई होप अब आप गलती नहीं करेंगे तो इट वॉज अ पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी आगे बढ़े चलो अब देखो असेंबली का कंपोजिशन क्लियर हो गया अब हम आते हैं वर्किंग पे वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भाई इलेक्शंस होते हैं एंड फॉर्मेशन होता है देखिए आपको ये जानकर बड़ा बड़ा ही सरप्राइज होंगे आप कि महात्मा गांधी इसका पार्ट नहीं थे ओके तो ये बात ध्यान रखना कि महात्मा गांधी इस असेंबली के पार्ट नहीं थे अब भाई जो असेंबली थी इलेक्शन हो गया इसकी फर्स्ट मीटिंग होती है ऑन नाइन्थ दिसंबर 1946 एंड टोटल 211 मेंबर्स ने ज्वाइन किया था आउट ऑफ 389 क्यों भाई क्योंकि जो मुस्लिम लीग के मेंबर थे वो पाकिस्तान चाह रहे थे तो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया सिमिलरली जो आ, प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया था वो काफी लॉयल थे टूवर्ड्स ब्रिटिशर्स तो उन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया तो केवल 211 लोगों ने ज्वाइन किया था फर्स्ट मीटिंग में अब भाई मीटिंग हो रही है तो कोई ना कोई तो प्रेसिडेंट होगा ना तो भाई उस समय जो ओल्डेस्ट मेंबर थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इनको इलेक्ट किया गया एज द टेम्प्ररी प्रेसिडेंट और ऐसा करने के लिए फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो किया गया था इस पर भी क्वेश्चन बनता है भाई कौन सी प्रैक्टिस फॉलो करी थी तो इट वॉज फ्रेंच प्रैक्टिस एंड किसको चुना हमने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एंड उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया एंड दो वाइस प्रेसिडेंट थे एस सी मुखर्जी एंड वी टी भाई ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे देर इज नो अदर अल्टरनेटिव ओके सो दिस वॉज द फर्स्ट मीटिंग अबे मीटिंग तो हो गई लेकिन करना क्या है वो आपको पता है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है बट उसकी फिलोसॉफी क्या होगी क्या उसके आइडियल्स होंगे यह कैसे पता चलेगा तो इसके लिए ना इसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने थर्टीन दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव किया था इन द असेंबली अब इसमें क्या था इट लेट डाउन द फंडामेंटल्स एंड फिलोसॉफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर भाई हमें बनाना क्या है कोई ये तो बताए तो दिस वॉज द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कि क्या फिलोसॉफी होगी क्या फंडामेंटल रूल्स होंगे इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन इसमें इंडिया को इंडिपेंडेंट सोवेरन रिपब्लिक प्रोक्लेम किया गया था अब देखो मैं आपसे ये कहूंगा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अच्छे से पढ़ो और इसको कंपेयर करो विथ प्रियम्बल और देखो क्या चीज़ आपको अलग दिखती है इन प्रियम्बल उस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जैसे कि जैसे कि इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो रेजुलरी पावर्स हैं वो किसके पास थी वो थी स्टेट्स के पास जबकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसा नहीं है तो कुछ डिफरेंसेस है जो मैं चाहूंगा कि आप देखें आप कंपेयर करो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को विद पीएम्बल यहां पे कहा गया था कि ऑल पावर ऑथोरिटी डिराइव फ्रॉम द पीपल ये हमें अभी भी देखने को मिलता है वी द पीपल ऑफ इंडिया है ना अब यह जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था इसको असेंबली ने अडॉप्ट किया यूनिमसली ऑन 22 जनवरी 1947 देखिए इसी लेक्चर में ये जो टाइमलाइन है ये मैं आपको दे दूंगा बस अभी आप समझिए कि कैसे क्या चीजें हो रही हैं ओके एंड देखो आगे जाके ये जो ऑब्जेक्टिव रिज़ोल्यूशन था ये बनता है हमारा प्रियमबल ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है सो दिस इज ऑब्जेक्टिव रिज़ोल्यूशन अब देखो हम सबको पता है कि फिफ्टीन अगस्त 1947 भारत जो है आज़ाद हो जाता है हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 फोर्टी ये था जो हमने देखा था पिछले वाले लेक्चर में तो इसने काफ़ी कुछ चेंजेस किए थे इसने सबसे पहले क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूंट कि असेंबली को फुल्ली सोवरेन बॉडी बना दिया मीन्स आप जो चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो आप कुछ भी कर सकते हो किसी भी इंटरनल एक्सटर्नल ऑथोरिटी का आपके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा दिस इज दी बॉडी जिसको फंक्शन क्या था कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है दिस वॉज द फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन यह था कि अब आप एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी हो क्योंकि कुछ ऑर्डनरी लॉज भी होंगे जो आपको बनाने होंगे और यह काम भी आपको ही करना पड़ेगा तो दो डिफरेंट फंक्शन दिए गए तो भाई हुआ क्या हुआ क्या असेंबली बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया और इसको डोमिनियन लेजिस्लेचर भी कहते हैं अब व्हाट इज डोमिनियन देखो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब ऑटोनोमस ऑटोनोमस विद इन ब्रिटिश एम्पायर मीन्स आपका इक्वल स्टेटस होगा बट आपकी एलिजियंस रहेगी टू द ब्रिटिश क्राउन ये सिंपल सा इसका मतलब है ओके okay? डोमिनियन का मतलब ये होता है तो असेंबली बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया तो जब आप काम करोगे कॉन्स्टिट्यूशन uh, बनाने का तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयर करेंगे एंड जब आप लेजिस्लेटिव बॉडी का, का काम करोगे तब जीवी मावलंकर वो चेयर करेंगे तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डुअल फंक्शन दिए गए डुअल फंक्शन दिए गए इसके बाद देखिए ये जो दोनों फंक्शंस थे ये कंटिन्यू होते हैं टिल 26 नवंबर 1949 और यही डेट आपको मिलती है इन अवर प्रीएम्बल इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ओके तो ये दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यू कब तक होते हैं ट्वेंटी नवंबर 1949 क्योंकि अब जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है ठीक है इसके अलावा देखिए टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली अब वो क्या हो जाएगी 299 तो जो पहले 389 था अब वो हो गया है 299 क्यों भाई क्योंकि पार्टीशन हो गया है तो मुस्लिम लीग के मेंबर जो पाकिस्तान से बिलोंग करते थे वो वहां चले गए इंडिया वाले मेंबर उन्होंने ज्वाइन कर लिया है प्रिंसली स्टेट्स ने भी ज्वाइन कर लिया है तो अब टू नाइन ओके तो थ्री फिगर्स हैं जो आपको याद रखने होंगे देन एंड और इसमें से टू ट्वेंटी नाइन प्रोविंसेस एंड सेवेंटी फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स ये जो फिगर है ये आपको याद रखना होगा ओके okay? अब देखो इसके अलावा कुछ और भी फंक्शंस थे जो परफॉर्म ए गए थे बाई द असेंबली जैसे कि इन मे नाइनटीन इट रेटिफाइड दरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ ओके भी परफॉर्म किया था ट्वेंटी सेकेंड जुलाई नाइनटीन फोर्टी सेवन नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था ट्वेंटी फोर्थ जनवरी नाइनटीन फिफ्टी अब यह डेट कॉमन है नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया है नेशनल सॉन्ग को अडोप्ट किया है एंड

ओके okay, तो लगभग तीन साल लगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में और इसका जो फाइनल सेशन है वो होता है ट्वेंटी जनवरी नाइनटीन को तो क्या उसके बाद असेंबली खत्म हो गई नहीं ऐसा नहीं था उसके बाद देखिए फ्रॉम 26 जनवरी 1950 टिल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ये जो असेंबली थी इस, इसने फंक्शन परफॉर्म किया है प्रोविजनल पार्लियामेंट ओके तो इसपे भी क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है सो फ्रॉम ट्वेंटी सिक्स जनवरी ऑनवर्ड्स टिल न्यू पार्लियामेंट ये बनी थी प्रोविजनल पार्लियामेंट ओके तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे क्वेश्चन पूछा जाता है आगे बढ़ते हैं अब देखो इतना बड़ा काम आपको करना है तो आपको डेफिनेटली वर्क को डिवाइड करना पड़ेगा ठीक है तो कुछ कमिटीज होंगी और हर कमेटी को कुछ आप फंक्शन दोगे कि भाई ये आपको करना है ये आपको करना है तो इसी तरह से आ, कुछ मेजर कमिटीज थी कुछ माइनर कमिटीज थी और मेजर कमिटीज इंपॉर्टेंट है इनपे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको क्या करना है कि कमिटी उसका क्या नाम है और उसको किसने हेड किया था इस पे क्वेश्चन आते हैं तो मैच द फॉलोइंग आ सकता है तो जैसे यूनियन पावर्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी अगेन नेहरू स्टेट्स कमेटी नेहरू ओके तो तीन कमेटी तो ये हो गई देन प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया सरदार पटेल ड्राफ्टिंग कमेटी मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है डॉक्टर बी आर अंबेडकर देन रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड स्टेयरिंग कमेटी अगेन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो ये बेसिकली जो कमिटीज है इनको आपको याद करना पड़ेगा मेजर कमिटीज माइनर कमिटीज इतनी रिलेवेंट नहीं आप उनको स्किप कर सकते हो देखो ये जो सेशंस में आपके ले रहा हूं ना दीज आर मोर देन सफिशिएंट इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको है ना आप चाहे तो मैच uh, कर सकते हो विद स्टैंडर्ड बुक एनसीआरटी जितने भी रिलेवेंट पॉइंट है वो सब आपको यहां मिल जाएंगे ओके okay? तो दिस इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर पॉलिटी अब देखो जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी ये सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी थी जो सेटअप होती है ऑन ट्वेंटी नाइन्थ ऑगस्ट नाइनटीन फोर्टी सेवन और इसका फंक्शन क्या था टू ड्राफ्ट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन और इसके चेयरमैन कौन थे डॉक्टर अंबेडकर बट इसके साथ साथ जो इसके बाकी मेंबर्स थे वो भी आपको याद करने पड़ेंगे क्वेश्चन आता है जैसे कि एन गोपाल स्वामी अयंगर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर डॉक्टर के एम मुंशी सैयद मोहम्मद सादुल्ला देन एन माधवराव एंड टी टी तो ये सब ड्राफ्टिंग कमिटी के मेंबर्स थे इनको आपको याद करना पड़ेगा ओके अब अगला पॉइंट आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट कब हुआ तो भाई जो हमारा प्रियम्बल है उसमें क्या डेट दी हुई है 26 सिक्स नवंबर नाइनटीन सो इस तारीख को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडोप्टेड इनेक्टेड and gave to themselves this constitution and this date is basically date of enactment ye question pucha jata hai theek hai date of enactment aur is samay jo humne constitution adopt kiya tha usme ek to preamble tha 395 articles the and eight schedules the पूरा constitution adopt हुआ उसके बाद preamble को enact किया गया था ठीक है यह बात ध्यान रखना यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है अब देखो ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है इसको आप कंपेयर करो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन से तो आपको दिखेगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है क्योंकि काफी कुछ चेंजेस मिलेंगे आर्टिकल चेंज हो गए शेड्यूल चेंज हो गए तो जो ऑर्गेनिक जो फंक्शन है जो ऑर्गेनिक जो एक चीज होती है वो आपको देखने को मिलेगी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ओके okay? इसीलिए डॉक्टर बी आर अंबेडकर को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर मॉडर्न मनु या फिर चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन द कॉन्स्टिट्यूश इन द प्रिलिम्स एग्जामिनेशन आई होप दिस इज क्लियर आगे बढ़े ओके okay. तो ये तो हो गया डेट ऑफ इनेक्टमेंट बट एक और चीज आती है डेट ऑफ कमेंसमेंट या फिर इन्फोर्समेंट की डेट और ये कौन सी है ये है ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी देखिए कुछ प्रोविजन इन्फोर्स uh, होते हैं ट्वेंटी सिक्स नवंबर नाइनटीन फोर्टी नाइन को बट जो मेजर पार्ट था वो फोर्स में कब आता है ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी और इसको कहा गया है डेट ऑफ कमेंसमेंट इसको कमेंसमेंट कहा गया है अब क्वेश्चन ये भी आता है कि वाई ट्वेंटी सिक्स जनवरी को चुना गया क्योंकि क्योंकि ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन थर्टी हमने पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया था आफ्टर द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस नाइनटीन ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन बनता है इन फिलिम्स एग्जामिनेशन ओके क्वेश्चन बनता है इन फिलिम्स एग्जामिनेशन अब देखो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है दिस इज डेट ऑफ कमेंसमेंट आप मुझे यह बताओ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें इस डेट को मेंशन किया गया है कि दिस विल बी द डेट ऑफ कमेंसमेंट तो कौन सा आर्टिकल है यह आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में ताकि मैं भी तो चेक करूं कि कितनी नॉलेज है आप लोगों में कितना आपने पढ़ा हुआ है ताकि मुझे भी आइडिया लगेगा तो आपको मुझे आर्टिकल नंबर बताना है इन द कमेंट सेक्शन ओके सो दिस इज द इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आई होप ये चीज क्लियर हो गई अब देखो ये जितना भी डेट्स मैंने आपको बताया ना इसको यहाँ पे मैंने मेंशन किया है तो इस स्लाइड को अच्छे से पढ़िएगा आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा देखो मैं बताता हूं भाई असेंबली के इलेक्शन हुए जुलाई अगस्त 1946 में एंड फर्स्ट में नाइन्थ दिसंबर नाइनटीन दिसंबर 1946 को उसके बाद क्या हुआ नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 उसको एक्सेप्ट किया गया ट्वेंटी जनवरी 1947 को देन उसके बाद फिफ्टीन अगस्त 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तो जो असेंबली है अब वो एक फुल्ली सॉवरन बॉडी हो जाएगी उसके डुअल फंक्शन होंगे ठीक है एक तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना है दूसरा लेजिस्लेटिव बॉडी आप बन जाओगे देन ट्वेंटी नाइन्थ ऑगस्ट नाइनटीन फोर्टी सेवन ड्राफ्टिंग कमिटी ये चीज ध्यान रखना उसके बाद आता है ट्वेंटी सिक्स नवंबर नाइनटीन फोर्टी नाइन जो कि डेट ऑफ इनेक्टमेंट है है ना और यहां तक दोनों फंक्शंस कंटिन्यू होते हैं ये मैंने आपको बता दिया था एंड दिस इज आल्सो सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे ठीक है उसके बाद 24 जनवरी 1950 फाइनल सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और उसके बाद 26 जनवरी 1950 रिपब्लिक डे एंड दिस इज डेट ऑफ कमिनसमेंट तो भाई फ्रॉम फिफ्टींथ ऑगस्ट नाइनटीन फोर्टी सेवन टू ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी इंडिया का क्या स्टेटस था डोमिनियन उसके बाद रिपब्लिक हो जाता है एंड वॉट इज डोमिनियन ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है ठीक है अब फ्रॉम ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी टू सेवनटीन अप्रैल नाइनटीन फिफ्टी टू यह जो टाइम पीरियड है इसमें असेंबली वर्कड एज प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो मैंने पहले डिस्कस किया था तो ये एक स्लाइड है जिसमें पूरी समरी मैंने आपको बता दी है इससे आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे ओके okay? इससे आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे आगे बढ़े चलो तो हमने ये तो देख लिया कि वॉट इज कॉन्स्टिट्यूशन उसके फंक्शंस क्या है असेंबली किस तरह से बनी क्या उसके फंक्शन थे हर चीज हमने समझ ली है अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को लेके जिस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है और जो आगे के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है और सबसे पहला कॉन्सेप्ट है डेफिनेशन ऑफ स्टेट और स्पेक्ट क्वेश्चन आया था इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन भाई व्हाट इज स्टेट जैसे कि इंडियन स्टेट हम यहां पे राजस्थान पंजाब हरियाणा की बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं स्टेट की देखिए इट्स अ पोलिटिकल एसोसिएशन क्या है पोलिटिकल एसोसिएशन है

इसमें टेरिटरी आपको मिलने वाली है इसमें गवर्नमेंट आपको मिलने वाली है और इनके पास होगी सोवेनिटी मीन्स एप्सल्यूट पावर सुप्रीम कंट्रोल कोई भी इंटरनल एक्सटर्नल ऑथोरिटी आपको डिक्टेट नहीं कर सकती है जो आपकी इच्छा हो वो आप करिए सो देर आर फोर एलिमेंट्स ऑफ स्टेट आप यहां पे देख सकते हो कि गवर्नमेंट इज वन ऑफ द एजेंसी वन ऑफ द एजेंसी ऑफ द स्टेट ठीक है तो ये चीज ध्यान रखना स्टेट और गवर्नमेंट सेम चीज नहीं है एंड देर आर थ्री ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट वन इज लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी तो वॉट वी कैन से वी कैन से दैट गवर्नमेंट इज एन एजेंसी ऑफ द स्टेट और उसका फंक्शन क्या है उसका फंक्शन क्या है उसका फंक्शन होता है कि स्टेट की जो विल है उसको आपको इंप्लीमेंट करना है किस तरह से लॉ बना के उस लॉ को इंप्लीमेंट करके एंड इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट उसको रिजोल्व करके सो दिस इज द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट द विल ऑफ द स्टेट आई होप डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट समझ में आ रहा होगा ठीक है सो वी कैन से स्टेट इज परमानेंट बट गवर्नमेंट इज नॉट बिकॉज़ इलेक्शन होंगे चली जाएगी आएगी सो गवर्नमेंट इज टेम्पररी बट स्टेट इज परमानेंट ओके सो गवर्नमेंट एक्सरसाइज इज पावर एंड ऑथोरिटी ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट क्योंकि जो स्टेट की विल है उसको आप इंप्लीमेंट करोगे कौन करेगा गवर्नमेंट सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट गवर्नमेंट इज बेसिकली एन एजेंसी ऑफ द स्टेट ठीक है एंड स्टेट एक पोलिटिकल एसोसिएशन होता है आई होप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा ठीक है अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट और वो है कि टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखो हमने ये तो देख लिया कि वॉट इज कॉन्स्टिट्यूशन और उसके फंक्शन क्या होते हैं अब ये देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या होता है तो भाई जनरली थ्री टाइप्स है वन इज रिटर्न एंड अनरिटर्न सेकेंड वन इज रिजिड एंड फ्लेक्सिबल एंड थर्ड वन इज यूनिटरी एंड फेडरल भाई बहुत इंपॉर्टेंट है रिटर्न अनरिटर्न रिजिड फ्लेक्जिबल एंड यूनिटरी एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं रिजिड एंड फ्लेक्जिबल कॉन्स्टिट्यूशन भाई कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे वॉट इज द बेसिस द बेसिस इज ईज ऑफ अमेंडमेंट कितनी आसानी से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकता है भाई व्हाट इज अमेंडमेंट एनी चेंज एनी चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ओके तो अगर अगर काफी आसानी से मींस सिंपल मेजोरिटी से अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हो अमेंड कर सकते हो देन इट विल बी गिबल ठीक है बट अगर प्रोसीजर काफी डिफिकल्ट है देन इट विल बी कॉल्ड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स डिफिकल्ट टू अमेंड दिस इज इजी टू अमेंड देखो जैसे यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज अ रिजिट कॉन्स्टिट्यूशन इट इज डिफिकल्ट टू अमेंड जो यूके कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज अब कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज काफी आसान है उसको अमेंड करना हम डिस्कस करेंगे इंडिया कहां पे आएगा भाई इंडिया में दोनों ही फीचर्स मिलते हैं फ्लेक्जिबल भी है एंड रिजेट भी है ओके तो यह कैसे इंडिया का यह आपको याद करना पड़ेगा ओके अगला जो टाइप आता है वो आता है यूनिटरी एंड फेडरल सो वॉट इज द बेसिस द बेसिस इज नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अभी जो मोदी गवर्नमेंट है एंड द रीजनल गवर्नमेंट जैसे कि अशोक गहलोत गवर्नमेंट हो गई राजस्थान में ओके योगी गवर्नमेंट हो गई यूपी में तो ये जो गवर्नमेंट है नेशनल लेवल पे एंड रीजनल लेवल पे तो इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो क्या होगा सो दिस इज द बेसिस तो जब हम बात करते हैं जब हम बात करते हैं यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन तो भाई इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो नेशनल गवर्नमेंट है वो ऑल पावरफुल होती है ओके एंड रीजनल गवर्नमेंट इफ दे एग्जिस्ट दे डिराइव दे डिराइव

डिजन ऑफ पावर बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट एंड दिस डिवीजन कहां पर होगा ये इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट सेल्फ ओके सो दिस इज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एग्जाम्पल यूएसए इन केस ऑफ इंडिया दोनों फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं फेडरल फीचर्स भी हैं यूनिटरी फीचर्स भी हमें देखने को मिलते हैं ओके तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है यूनिटरी एंड फेडरल ये आपका क्लियर हो गया होगा आगे बढ़े अब देखो अगला जो टाइप है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड काफी लोग कंफ्यूज भी होते हैं इट इज रिटर्न एंड अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से समझिएगा सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले बात आती है कि ऑन व्हाट बेसिस ऑन बेसिस हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बिटवीन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखो बेसिस है असेंबली क्या कोई ग्रुपिंग बनी थी क्या कोई असेंबली बनी थी क्या जिसने उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया दिस इज द बेसिस इस बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ये सबसे पहली बात है अब देखो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें अनरिटर्न पार्ट नहीं होगा डेफिनेटली होगा सिमिलरली जो अनरिटर्न होता है इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें रिटर्न पार्ट नहीं होगा डेफिनेटली होगा क्योंकि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली रिटर्न या अनरिटर्न नहीं हो सकता है क्योंकि आप हर चीज नहीं लिख सकते हो तो यह कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखने होंगे अब हम आते हैं कि क्या डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन रिटर्न एंड अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन भाई देखो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन वो है जहां पे प्रोविजंस कोडिफाई किए गए हैं इन अ सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट इन अ वेरी सिस्टमेटिक मैनर भाई इसका मतलब क्या है आप किसी बुक शॉप पे गए आपने कहा कि भैया हमें इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दे दो वो आपको एक बुक दे देंगे बिकॉज इन इंडिया ऑल द प्रोविजन्स देडिफाइड इन टू अ सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट एक पूरी बुक आपको मिल जाएगी और जो प्रोविजन हैं वो सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज किए गए पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री भाई टेरिटरी फिर पॉपुलेशन उस पॉपुलेशन को राइट दे दिए देन वॉट इज द गवर्नेंस सिस्टम इस तरह से सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज किया गया है दिस इज द मीनिंग ऑफ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन बट इन केस ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजन है उनको एक सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट में कोडिफाई नहीं किया गया है देखिए वहां पे प्रोविजन लिखे हुए हैं बट उनको ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है एक सिंगल बुक आपको नहीं मिलेगी ठीक है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आपको मिल जाएंगे बट एक सिंगल बुक आपको नहीं मिलेगी एक सिंगल डॉक्यूमेंट आपको नहीं मिलेगा जिसमें पूरे प्रोविजन आपको मिल जाए दिस इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ओके सो so, जो मैंने कहा था कि बेसिस क्या है असेंबली तो वी कैन से कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन एक असेंबली बैठी उसने इनेक्ट कर दिया तो इसकी एक बिगनिंग होती है जिसको आप ट्रेस कर सकते हो हमने भी की थी बिगनिंग ओके जबकि जो अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये एक इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन होता है समय के साथ साथ इसमें चेंजेस होते रहते हैं इसकी डेफिनेट बिगनिंग आपको नहीं मिलेगी फॉर एग्जाम्पल इंडिया यूएसए इंडिया यूएसए यहां पे रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है ब्रिटेन यहां पर अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलता है ओके ये डिफरेंस समझ में आए इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंस है देखिए रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज सुप्रीम जबकि इन अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट इज सुप्रीम ऐसा क्यों बिकॉज इन अनिटन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट ने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन जबकि इन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को बनाया है आई होप दिस डिफरेंस इज क्लियर हमारे यहां पे पहले संविधान बना अब उसने ऑर्डिनेंस बना दिए कि दिस इज पार्लियामेंट दिस इज एग्जीक्यूटिव दिस दिस इज जुडिशरी ओके तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है क्योंकि इसने पार्लियामेंट को बनाया है जबकि इन अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट सुप्रीम होती है क्योंकि पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है आई होप दिस डिफरेंस इज क्लियर ओके सो इसलिए हम यह भी कह सकते हैं इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि इन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन देर इज मार्क्ड डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लॉ बिकॉज पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी वो ऑर्डनरी लॉ है बट जो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है तो एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन आपको देखने को मिलता है बट इन केस ऑफ अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन देर इज नो डिस्टिंक्शन क्योंकि एवरी पार्लियामेंट्री लॉ विल बी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो इसीलिए तो वो इवॉल्व है एक डॉक्यूमेंट में आपको नहीं मिलेगा क्योंकि पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाएगी वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाएगा क्योंकि वहां पे पार्लियामेंट सुप्रीम है आई होप ये जो बारीकियां हैं ये आप समझ पा रहे होंगे क्लियर है अब देखो अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट सुप्रीम है तो क्या जुडिशरी पार्लियामेंट को कंट्रोल कर सकती है डेफिनेटली नहीं कर पाएगी बिकॉज बिकॉज पार्लियामेंट सुप्रीम है तो जुडिशरी पार्लियामेंट को कंट्रोल नहीं कर सकती है इसलिए वहां पे रेस्ट्रिक्टेड पावर होगी जुडिशरी के पास वो केवल एग्जीक्यूटिव एक्शन को ही कंट्रोल कर सकती है एक बार जो लॉ बन गया उस लॉ के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो केवल यही चेक कर सकती है जुडिशरी बट केस ऑफ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन सिंस कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम तो पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव दोनों को एज पर कॉन्स्टिट्यूशन काम करना पड़ेगा अगर नहीं कर रहे हो तो जुडिशरी आपकी पावर्स को चेक कर सकती है इसलिए इन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी इंजॉय वाइडर पावर यहां पे लेजिसलेचर एंड एग्जीक्यूटिव दोनों पे कंट्रोल होगा जबकि यहां पे केवल एग्जीक्यूटिव पे ही कंट्रोल होगा तो क्लियर यह चीज समझ में आया देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है अब देखो जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है ये किस तरह का होगा फ्लेक्सिबल रिजिट देखो ये कुछ भी हो सकता है यह फ्लेक्जिबल भी हो सकता है रिजिट भी हो सकता है दोनों जैसे कि इंडिया का एग्जाम्पल ले लो हमारे यहां पे दोनों फीचर्स आपको मिलते हैं जबकि जो यूनिटरी सॉरी जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो हमेशा फ्लेक्सिबल ही होगा क्योंकि पार्लियामेंट जब चाहे नया प्रोविजन ऐड कर सकती है क्योंकि यहां पे पार्लियामेंट सुप्रीम है तो अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा फ्लेक्सिबल ही रहेगा ये सब डिफरेंसेस पूछे जाते हैं इन प्रलिम्स एग्जामिनेशन ओके अब भाई और पॉइंट्स हैं जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है ये फेडरल या फिर यूनिटरी कुछ भी हो सकता है जो भी प्रोविजन आपने लिख दिए बट जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमेशा यूनिटरी होगा क्यों बिकॉज पार्लियामेंट इज सुप्रीम वो जब चाहे पावर्स को चेंज कर सकती है आई होप दिस इज क्लियर ओके इसके अलावा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि हर चीज लिखी हुई है तो इट इज इट इट इज गवर्न लेस बाय कन्वेंशंस मीन्स जो कस्टम्स वगैरह होते हैं जबकि अन रिटर्न में क्योंकि हर चीज़ लिखा हुआ नहीं है तो लार्जली गवर्न बाय कन्वेंशंस ओके तो ये बहुत सारे डिफ्रेंसेज हैं जो आपको पढ़ने होंगे रिटर्न एंड अन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में एंड आई होप ये चीज़ क्लियर है देखो बहुत ही कॉन्सेपचुअल चीज़ें हैं एंड काफ़ी टाइम मैं दे रहा हूँ इन सब कॉन्सेप्ट क्योंकि आगे जाके यही बेस बनेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग का ओके okay? तो हमने टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस कर लिया है अब हम आते हैं आगे अब अगला टॉपिक uh, है वॉट इज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इस पे आई थिंक तीन बार क्वेश्चन आ गया है इन प्रेम्स एग्जामिनेशन ईयर बाय ईयर रिसेंटली पूछा गया है देखो मैंने आपको कहा था कि वॉट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू लिमिट द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट तो वॉट इज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जिसकी पावर लिमिटेड होती है जहां पे देर इज नो एब्सोलटिज्म सो दैट गवर्नमेंट विल बी कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ओके तो अगर गवर्नमेंट की पावर रेस्ट्रिक्टेड है दैट विल बी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स ये एक लिमिटेड गवर्नमेंट होती है लिमिटेड गवर्नमेंट होती है ओके okay? क्लियर है आगे बढ़े चलो अब देखो यहां पे अगला कॉन्सेप्ट आता है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म देखो जिसमें भी पीछे आई एस एम आ जाए मीनोसॉफी तो ये जो फिलोसॉफी है ये क्या बात करती है ये बात करती है लिमिटेड गवर्नमेंट की ये बात करती है रूल ऑफ लॉ की ये रूल ऑफ लॉ क्या हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स में बट असेंशियली इसका मतलब ये है कि लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए यही फिलोसॉफी है तो जब हम बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स ये क्या करते हैं बेसिकली गवर्नमेंट की पावर्स को रेस्ट्रिक्ट करते हैं ठीक है रूल ऑफ लॉ ये भी पावर को रेस्ट्रिक्ट करता है डेमोक्रेसी ये भी पावर को रेस्ट्रिक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये भी पावर को रेस्ट्रिक्ट करता है तो ये सब सेम चीजें हैं फंडामेंटल राइट रूल ऑफ लॉ डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इन ऑब्जेक्टिव सेम ही है टू लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट ओके सो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ओके अब क्या इसके डिफरेंट प्रिंसिपल्स होते हैं तो वो सारे प्रिंसिपल जो गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट करते हैं, वो यहां पे आ जाएंगे फॉर एग्जाम्पल सेपरेशन ऑफ पावर भाई अपने पास तीन ऑर्गन है अगर सारी पावर आप एक ही ऑर्गन और, को दे दोगे तब तो उसकी मोनोपोली हो जाएगी पावर को मिस कर सकता है तो पावर को डिवाइड कर दो ताकि आ, सारी पावर एक ही हाथ में न रहे दिस इज सेपरेशन ऑफ पावर देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी राइट्स रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सोवेनिटी रूल ऑफ लॉ देन पुलिस अकाउंटेबिलिटी सिविलियन कंट्रोल ऑफ मिलिट्री ये सारे प्रिंसिपल्स हैं जो आप याद कर लेना ओके okay? इसका जो बेस है वो मैंने आपको बता दिया कि क्या कॉन्सेप्ट है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चन ये बनते हैं चलो उससे पहले ये देख लेते हैं रामेश्वर प्रसाद केस इस इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया था कि कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बेसिकली इट्स अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट अबहोर्स एब्सोल्यूटिज्म मीन्स जो बात करता है लिमिटेड गवर्नमेंट की ओके okay? तो दिस इज स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिमिटेड गवर्नमेंट क्लियर है चलो अब कुछ क्वेश्चन है आपके लिए देखो मैंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म डेमोक्रेसी सब एक ही बात है तो इट इज अ फीचर ओनली ऑफ डेमोक्रेसी तो केवल वहीं पे आपको मिलेगा ये क्वेश्चन आता है इन फिलिम्स एग्जामिनेशन ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इट इज अ फीचर ओनली ऑफ डेमोक्रेसी ठीक है अब देखो दूसरा पॉइंट ये आता है कि मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन केवल आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो क्या इतने से आप इंश्योर कर सकते हो कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा दिस इज द क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि कोई कंट्री ऐसी है जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो क्या इसका मतलब यह है कि वहां पे कि वहां पे डेमोक्रेसी होगी भाई नहीं कह सकते भाई वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा नहीं कह सकते भाई कॉन्स्टिट्यूशन है बट क्या आप उसको फॉलो कर रहे हो क्या वो भी तो इंपॉर्टेंट है और किस स्प्रिट में आप उसको फॉलो कर रहे हो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो वहां पे डिक्टेटरशिप भी हो सकती है अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करोगे तो मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट डज नॉट इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये बात ध्यान रखना ओके अब अगला इसमें क्वेश्चन आता है कि कैन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एग्जिस्ट विदाउट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन भाई देखो अगर रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है तो आपकी पावर्स हर चीज पहले से डिफाइंड है तो क्वेश्चन यह है कि अगर रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कर सकता है क्या भाई डेफिनेटली कर सकता है हमारे पास एग्जाम्पल है यूके का जहां पे वी हैव अनिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन एंड काफी अच्छे से वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लिमिटेड गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है ठीक है तो ये चीजें सब कॉन्सेप्ट हैं जो आपको याद रखने होंगे ओके okay? और यहां पे बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है एस आर चौधरी वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 2001 इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि द मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय इट सेल्फ डज नॉट इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड वॉट इज द कॉन्सेप्ट ये ऑलरेडी मैंने आपको दे दिया है ओके सो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आगे बढ़े चलो अगला पॉइंट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी और ये आज का आखिरी टॉपिक है इसके बाद एंड करेंगे ओके okay, काफी कुछ बता दिया आज देखो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी अभी आ, हम देखते हैं कि जो जुडिशरी है वो क्या है फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और वो इस डॉक्ट्राइन का यूज कर रही है जो एज ओल्ड ट्रेडिशंस हैं कस्टम्स हैं उनको हटाने के लिए कस्टम्स ट्रेडिशन जैसे कि अभी सबरीमाला टेम्पल इशू था जहां पे दस से पचास साल की जो महिलाएं थी उनको टेम्पल में नहीं जाने दिया जा रहा था तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी ओके तो वॉट इज दिस प्रिंसिपल देखो इसका सिंपल सा मतलब यह है इसका सिंपल सा मतलब यह है एडहरेंस उूट द कोर प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिस इज मॉडलिटी एंड वॉट आर दिस कोर प्रिंसिपल्स लाइक रूल ऑफ लॉ प्रम्बल लिबर्टी इक्वेलिटी जस्टिस फ्रेटर्निटी दीज आर द कोर प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनको आपको फॉलो करना पड़ेगा एंड फ्रेंड्स वॉट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडलिटी इट इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन यह बात ध्यान रखना तो जैसे उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा ये जो आप महिलाओं को रोक रहे हो दिस दिस वायलेट्स फोर प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी और यह भी कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी प्रिवेल करेगी ना कि पब्लिक मॉरलिटी ठीक है तो आप लोग क्या चाहते हो वो मैटर नहीं करता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या चाहता है उसके कोर प्रिंसिपल्स क्या है वो मैटर करते हैं ओके okay? और यही चीज़ हमें देखने को मिलती है काफ़ी सारे दूसरे केसेज में लाइक like, नाज फाउंडेशन केस लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली केस नवतेज सिंह जौहर केस ठीक है तो जो एलजीबीटी राइट्स हैं वुमेन राइट्स हैं वहाँ पे ये जो डॉक्टरी है इसको हमें ज़्यादा देखने को मिलता है सो दिस इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरेलीटी एंड विद दिस फ्रेंड्स ये जो हमारा आज का सेशन है ये यहीं पे हम कंक्लूड करेंगे काफी सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिए हैं एंड आई होप चीजें समझ में आई होंगी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूंगा एंड फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करना मत भूलिए केवल यही हम आपसे चाहते हैं कि जो भी आपका प्यार है वो आप हमें दीजिए ओके okay? और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए फॉरवर्ड कीजिए आपके फ्रेंड्स में ताकि वो भी इस इनिशिएटिव का पार्ट बन सके और डेफिनेटली उनको फ़ायदा होगा एंड फ्रेंड्स मैं फिर से बता दूं, जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं फॉर दिस एग्जामिनेशन हर चीज़ आपको मिलेगी इन लेक्चर्स में कोई सोर्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है विद दिस ऑल द बेस्ट गुड बाय एंड जय हिंद